हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज बात करेंगे स्मार्टफोन गिमिक फीचर्स के बारे में, मतलब ये सातिर मोबाइल कंपनियां आपको कैसे ठगती हैं उसके बारे में। मतलब भाई यू समझो ना, तो कंज्यूमर जैसे जैसे तेज होते गए कंपनियां और तेज होते गईं। मतलब कंज्यूमर शेर बनते गए तो कंपनियां सवा शेर बनती गईं। जैसे पहले लोग दुकान में जाते थे और बोलते थे कि भाई साहब एक HD कैमरा वाला फोन दिखाओ, एकदम क्लियर हो। लेकिन अब कंज्यूमर स्मार्ट हो गए हैं और वो समझ गए कि एक नंबर होता है मेगापिक्सल, वो जितना ज्यादा रहेगा फोटो उतना अच्छा आएगा। तो देख लो क्या ही हो रहा है, 200 मेगापिक्सल तो टच कर लिए हम लोग, जल्दी 1200-1400 मेगापिक्सल भी टच कर लेंगे। सेम चीज बैटरी के साथ भी है। पहले लोग जाते थे बोलते थे 2 दिन चलने वाला फोन दो, जो 3 दिन चले ऐसा फोन दो। लेकिन अब MAH देखते हैं, अब मांगते हैं 4000, 5000, 6000, 8000 MAH। लेकिन कंपनियां भी बड़ी साथ थी। पहले सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में 3000 MAH का ही बैटरी अच्छा खासा चलता था। लेकिन अब 10000 में भी 5000 MAH बैटरी आराम से मिल जाता है। 11-12000 में तो 6000 MAH भी मिल जाता है। टेक्नो के पोवा में 7000 MAH है और वो भी 12000 के रेंज का ही फोन है। लेकिन बैकअप अच्छा रहता है, लेकिन कुछ खास नहीं। 7000 MAH लैग तो बिल्कुल भी नहीं। अपडेट प्रॉमिस, ये भी एक बहुत गिमिक सा चीज है। मतलब ज्यादा ईयर तक अपडेट देना अच्छी बात है। जैसे OnePlus 9 RT में कंपनी ने 3 ईयर का OS अपग्रेड प्रॉमिस किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर ही Android 12 आने में ही काफी लेट कर दिया, जिसको देख के ये पता चलता है कि भाई सिर्फ अपडेट प्रॉमिस ही नहीं किया जाता, अपडेट पुश भी किया जाता है टाइम टू टाइम। एक और फीचर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, एक्सपेंडेड रैम, या जो भी रैम बोले कंपनी उसको, जिसमें आपका मोबाइल स्टोरेज को एज अ रैम यूज करता है। ये मुझे सबसे ज्यादा गिमिक वाला फीचर लगा है, और यहाँ तक कि बहुत आदमी इस पे विश्वास भी करते हैं कि भाई इस फोन में 20 GB रैम है, 28 GB रैम है, फलाना दिमाग का। और इस पे तो ज्ञान थेरेपी का एक वीडियो भी है, जिसमें 2 IQ7 लिया, एक में एक्स्ट्रा रैम ऑफ कर दिया और एक में एक्स्ट्रा रैम ऑन, दोनों में लिटरली 0% का फर्क था, थोड़ा भी फर्क नहीं था। लेकिन क्या करे, कंपनियां उल्लू बनाती हैं और बहुत आदमी बन भी जाते हैं। खैर, क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप तो नहीं बनोगे, इसी बात पे लाइक तो बनता है। अगला गिमिक पॉइंट है फेक ब्राइटनेस। क्या फेक ब्राइटनेस, वो कैसे? वो ऐसे जैसे नथिंग ने पागल बनाया था नथिंग फोन 1 में 1300 nits का ब्राइटनेस है ये बोल के, जबकि है कितना 700 nits। वैसे भी और कोई भी कंपनी जो 1300 nits क्लेम करती है ब्राइटनेस, असल में उसका ब्राइटनेस 800, 900 या 1000 nits तक ही जाता है। 1300 nits पूरा स्क्रीन कभी नहीं जाता है। किसी किसी केस में HDR कंटेंट पे स्क्रीन का कोई एक पार्ट उस ब्राइटनेस को अचीव करता है 1300 nits को। भाई कंपनी, आप हमें ये बताओ, आप सीधे सीधे 1000 nits बोल के पूरा स्क्रीन का ब्राइटनेस क्यों नहीं बता देते हो? वैसे भी मैं सच बताऊं तो 800, 900, 1000 nits मोर देन सफिशियंट है कितने भी हार्ड धूप में देखने के लिए। अब वहां पे आपको बैठ के गेमिंग तो करना नहीं होगा या मूवी तो देखना नहीं होगा, नॉर्मल आपको कोई जरूरी टास्क ही करना होगा, तो उतना के लिए 1000 nits सफिशियंट है। तो क्या जरूरत 1500, 1700, 2000 nits का। इस तरह से और भी काफी सारे गिमिक पॉइंट्स हैं, लेकिन हम कितना ही कवर कर लेंगे। तो हम फाइनल वर्डिक्ट दें कि इस सब से कैसे बचना है, तो एक तरीका है यूट्यूब पे वीडियो देखो, रिव्यूज देखो। लेकिन आजकल रिव्यूज भी तो पेड है भाई, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रिव्यूअर पेड रिव्यू कर रहा है और कौन सा नहीं। मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत सारे वीडियो में करते हैं और बहुत सारे वीडियो में नहीं, तो हो सकता है जिस क्रिएटर को आप समझ रहे हो कि ये पेड रिव्यू है, हो सकता है वो ना हो। जैसे Reno 8 Pro वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है, लेकिन ज्ञान थेरेपी के आप एक वीडियो में देखे होंगे कि एक कस्टमर को इसका कैमरा 10000 के फोन जैसा लग रहा था, पर राकेश सर ने खुद बताया कि 10000 नहीं पर 20-25000 के फोन के जैसा कैमरा है। पहले क्या सोच के आपने ये वाला फोन लिया था? मतलब कैमरा सोच के लिया था। कैमरा कैसा लगा? कैमरा ऐसा है कि 10000 के फोन कैमरा इससे अच्छा होगा। 10000 नहीं यार, 10000 में ऐसे कैमरे नहीं आते, बड़ा 25000 रुपए में ऐसा कैमरा मिल जाता है। किसकी वीडियो देख के लिया था फोन? यहाँ बीप लगा देंगे भाई, बीप बड़े वाला। तो देखो, आप तो डायरेक्ट राकेश सर से नहीं पूछोगे, अगर आप पूछोगे भी तो बहुत कम चांस है उनसे आंसर आने का, क्योंकि बहुत आदमी उनसे कुछ ना कुछ पूछे रहते हैं हर जगह, यूट्यूब ट्विटर कहीं पे भी, तो बहुत मुश्किल होता है हर एक बंदों का रिप्लाई करना। और वैसे भी कोई क्रिएटर पेड रिव्यू कर रहा है कि नहीं वो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो आप मेरे से आके पूछ सकते हो कमेंट में, क्योंकि मेरा अभी 36 सब्सक्राइबर है, तो मेरा तो पेड रिव्यू नहीं रहने वाला है ना भाई, तो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी बस सावधान रहें, सतर्क रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।